हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का आज ऐलान हो गया। आयोग ने आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। तो कब होंगे चुनाव, कब आएंगे नतीजे और चुनावों को लेकर इस बार क्या क्या विशेष इंतजाम किए हैं चुनाव आयोग ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। SYL को लेकर 1981 में हरियाणा और पंजाब में समझौता हुआ था। सतलुज का पानी हरियाणा तक आना था। 41 साल हो गए हैं कि पानी तो दूर नहर ही नहीं बन पाई है। आज जब चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के CM ने इसे लेकर बातचीत शुरू की तो मनोहर लाल खट्टर को भी एहसास था कि पानी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बात पानी पर नहीं नहर पर की। खट्टर ने कहा कि नहर का निर्माण कराया जाए, पानी को लेकर चर्चा बाद में हो जाएगी, लेकिन भगवंत मान ने हरियाणा के CM की मांग को मानने से मना कर दिया। पंजाब के CM मान ने कहा कि पंजाब के पास खुद की जरूरत को पूरा करने के लायक पानी ही नहीं है, इसलिए हरियाणा को पानी नहीं दे सकते। पानी की सप्लाई नहीं होनी है तो नहर के निर्माण का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है। हरियाणा पानी की जरूरत के लिए प्रधानमंत्री से अपील करे। मान ने कहा कि 1981 में हुए SYL समझौते को 41 साल बाद लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब में पानी 600 फीट पर जा चुका है। सतलुज और ब्यास अब दरिया नहीं बल्कि नदियां बन चुकी हैं। जब SYL समझौता हुआ साल 1981 में तब पंजाब के पास 18.56 MF पानी था और अब 12.636 है, जबकि हरियाणा के पास 14.10 मिलियन फीट पानी है। दूसरी नदियों का पानी भी हरियाणा के पास है, उसके पास पानी की कमी नहीं है और ज्यादा पानी चाहिए तो वो केंद्र की मदद ले सकता है। पंजाब के 2 टूक इनकार के बाद हरियाणा के CM ने साफ कर दिया है कि वो पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देंगे। यदि मामला हल नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।